Hello, students. I am your social studies teacher, Navdeep, and we are doing social studies of class seventh. In my previous video, I taught you chapter four of geography, and our today's topic is elements of weather and climate and their effects. In this video, we will also study about global warming, their Causes and effects, and how we can take measures to reduce global warming. So, let's start with the topic elements of weather and climate and their effects. In this section, we will learn about wind speed and humidity. Firstly, what is wind? Wind is the movement of air. एयर की जो मूवमेंट होती है उसको विंड बोला जाता है अब विंड कैसे क्या कारण है कि जो विंड है वो चलती है विंड के क्या कॉजेज हैं विंड क्यों आती है विंड क्यों चलती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एयर प्रेशर जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज होती है एंड जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ सिंक हो जाती है तो अब देखो जब हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज हो जाती है तो ऊपर जो हॉट एयर होते हैं ना वो लो प्रेशर एरिया में होते हैं वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है तो लो प्रेशर एरिया में स्पेस ज़्यादा होगा उस स्पेस को फिल करने के लिए नीचे से जो हाई प्रेशर एरिया होता है हाई प्रेशर एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाके उस एयर को फिल कर देती है और इसी के कारण हवाएं चलती हैं ये जो विंड है इसी के कारण ही ब्लो होती है क्यों होती है ऊपर हॉट एयर राइज हो जाती है उसमें स्पेस होता है उस स्पेस को फिल करने के लिए जो हाई प्रेशर एरिया होते हैं वहां से एयर ऊपर चली जाती है अब थ्री टाइप की विंड्स होते हैं वो है परमानेंट विंड परमानेंट विंड होती है जो थ्रू आउट द ईयर एक ही फिक्स डायरेक्शन में चलती रहती हैं इसको हम बोलते हैं वेस्टलाइज और अर्स्ट ईस्टलाइज East ईस्टरलाइज जो वेस्टरलाइज होती हैं ये ब्लो करती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूरा साल ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती रहती हैं और ईस्टरलाइज कौन सी होती हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं पूरा साल सेकेंड टाइप ऑफ विंड है सीजनल विंड सीजनल विंड होती है जो जिनकी जो डायरेक्शन है वो सीज़न पर बेस्ड होती है फॉर एग्जांपल जो मॉनसून विंड्स होती हैं इंडिया में वो डिफ़रेंट डायरेक्शंस में ब्लो होती हैं ईयर के टाइम के बेस्ड पर जैसे जून से सितंबर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड्स चलती हैं एक सीज़न होता है ना उनका उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर वाला जो सीज़न होता है उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड्स चलती हैं तो सीजनल विंड्स होते हैं जो सीज़न के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं थर्ड टाइप ऑफ विंड होती है लोकल विंड्स लोकल विंड्स होते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक ईयर या पर्टिकुलर टाइम पे जिस डायरेक्शन में विंड्स ब्लो होती हैं उसको बोलते हैं लोकल विंड्स जैसे लूज हो गई बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं ड्राई विंड्स हो गई जो समर्स के दौरान ब्लो करती हैं नॉर्थन पार्ट्स में इंडिया के अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट कॉज विंड्स विंड्स क्यों होती हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो ऊपर वाला हॉट एयर होती है उसमें स्पेस होता है तो नीचे वाली जो हाई प्रेशर एयर होती है उसको फिल कर देती है जिसकी वजह से विंड्स चलती हैं मैचिंग है परमानेंट विंड परमानेंट विंड किसको किसके साथ मैच करोगे फिक्स डायरेक्शन के साथ सीजनल को सीजन के साथ लोकल को स्पेसिफिक टाइम और प्लेस के साथ ये यह देखो यहाँ पर आपको आंसर्स भी दिए गए हैं नाउ ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होती है ह्यूमिडिटी होता है कि वाटर वेपर जो एयर होती है ना उसमें वाटर वेपर्स का कितना अमाउंट है कितना मॉइस्चर है एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी क्योंकि जो हॉट हो एयर होती है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की इसलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ह्यूमिटी ह्यूमिडिटी जो ह्यूमिडिटी होती है ना जितनी ज़्यादा होगी हाई ह्यूमिडिटी से जो लोग हैं हम हमें ऐसा लगेगा चिपचिपाहट से फ़ील होगी क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा एयर में और हम अनकम्फर्टेबल फील करेंगे क्योंकि ऐसे में क्या होता है ये जो स्टिकी मौसम होता है ना इसमें जो हमारा स्वेट होता है वो जल्दी से ई नहीं हो पाता वो सूखता नहीं है पसीना जल्दी से अब ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ह्यूमिडिटी और रेनफॉल का आपस में क्या लिंक है एयर में जो ज़्यादातर मॉइस्चर होता है ना हाई टेम्परेचर्स पे अब इसकी पूरी प्रोसेस देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट बॉक्स में आपको क्या दिया हॉट एयर होती है देखो हॉट एयर क्यों होती है हाई टेम्परेचर की वजह से अब जितनी ज़्यादा हॉट एयर जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है अब ह्यूमिडिटी होने से क्या होगा ह्यूमिडिटी इसलिए क्योंकि हॉट एयर है हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ फ्राइज़ कर जाएगी जब वो ऊपर की तरफ फ्राइज कर जाएगी तो एयर में जो मॉइस्चर है वो सारा कंडेंस हो जाएगा और क्लाउड्स बना देगा जब वो क्लाउड्स बना देगा तो उससे क्या होगा जो क्लाउड्स हैं वो वाटर से फिल हो जाएंगे क्योंकि वेपर सारे कंडेंसड हो जाएंगे ना और जब क्लाउड्स वाटर से फिल हो जाएंगे तो रेन फॉल हो जाता है अब जो रेनफॉल होता है ये भी थ्री टाइप का होता है एक होता है कन्वेक्शनल एक होता है ओरोग्राफिक और एक होता है साइक्लोनिक कन्वेक्शनल तो वही वाला है जो अभी मैंने प्रोसेस आपको बताई ओरोग्राफिक कौन सा होता है जो माउंटेंस होते हैं जब हवाएं चल रही होती हैं ना विंड्स चल रही होती हैं मॉइस्चर वाली विंड्स वेपर इसमें ज़्यादा होता है वो जब चल रही होती हैं वो पहाड़ों से टकराती हैं तो वो सीधा फॉरवर्ड नहीं हो जाती सीधा नहीं वहाँ से निकल जाती क्योंकि वो पहाड़ों से टकरा गई टकरा के वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं अपवर्ड्स जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो सारा कंडेंस्ड होके क्लाउड्स बना देता है और क्लाउड्स जब वाटर से फिल हो जाते हैं फिर बारिश होती है तो इस वाली रेनफॉल को हम बोलते हैं जिसमें माउंटेन्स का रोल होता है ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल थर्ड टाइप इज साइक्लोनिक रेनफॉल साइक्लोनिक रेनफॉल कौन सी होती है जब जो हॉट एयर और कोल्ड एयर होती है दोनों आपस में टकराती हैं जब वो टकराती हैं तो जो लाइट वॉम एयर होते हैं ना गर्म एयर होती है वो लाइट होती है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाती है और फिर उसके वाटर वेपर्स कंडेंसड होके क्लाउड्स बना देते हैं और क्लाउड्स वाटर से फिल होके रेनफॉल हो जाता है तो साइक्लोनिक में क्या मेन चीज़ रही यहाँ पे हॉट और कोल्ड दोनों एयर्स आपस में टकरा जाती हैं समरी में वही है जो सारा कुछ आपको बता चुकी हूँ मैं आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हो आपकी सप्लीमेंट्री बुक में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन टेन पॉइंट एट दिया हुआ है व्हाट इज ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब एक गिवन टाइम पे एयर में मॉइस्चर का या वाटर वेपर का कंटेंट पाया जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी नेक्स्ट इज हाउ डज मॉइस्चर इन द एयर लीड टू रेनफॉल मॉइस्चर जो होता है एयर में उसके कारण कैसे रेनफॉल होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना कैसे होती है कि वाटर वगैरह कंडेंस्ड हो जाता है वो सारा कुछ आपने यहाँ पे बताना है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं ओके okay? अब आपको एन सीई आर टी एक्सरसाइज है जो चैप्टर फोर की उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं नेम द थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल कौन कौन से थ्री टाइप के रेनफॉल होते हैं अभी अभी आपको बताया गया साइक्लोनिक रिलीफ एंड कन्वेक्शनल नेक्स्ट है वेन प्रेसिपिटेशन कम्स डाउन टू द अर्थ जो प्रेसिपिटेशन होता है मतलब क्लाउड्स बरसते हैं जब कंडेंस्ड होके सारा वॉटर उसमें फील हो जाता तो लिक्विड फॉर्म में जब नीचे आता है तो इसको क्या बोलते हैं रेन अब कुछ मैचिंग है ट्रेड विंडस ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं परमानेंट विंड्स लू लू किसका एग्जाम्पल है लोकल विंड का मानसून किसका एग्जाम्पल है सीजनल विंड का एंड विंड किसका एग्जाम्पल है हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर का अब है वेट क्लोथ्स टेक लोंगर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे जो ह्यूमिडिटी वाला डे होता है उस दिन जो गीले कपड़े होते हैं वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लगाते हैं क्योंकि ह्यूमिड डे पे क्या होता है जो एयर होती है वो वाटर वेपर से फुल होती है पहले ही उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि जो गीले कपड़ों का वाटर कंटेंट है वो भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सके क्विकली जल्दी से ठीक है अब आपको आपके एफ पी ट्वेंटी वन पे सप्लीमेंट्री बुक में क्वेश्चन टेन पॉइंट टेन और टेन पॉइंट इलेवन करना है टेन पॉइंट टेन में है वट इज़ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और टेन पॉइंट इलेवन में पूछा उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके इफेक्ट क्या हैं तो इन दोनों चीज़ों को अभी हम स्टडी करेंगे देखो वट इज़ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है जब अर्थ का एटमोस्फियर जो होता है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इंक्रीज़ क्यों होता है ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब इनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है इनके लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था जिसके कारण जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ होने से उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग ना क्वेश्चन नंबर टेन पॉइंट इलावन इसमें कॉजेज़ क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर जो है अर्थ का वो क्यों इंक्रीज़ हो सकता है किन किन कारणों से फॉसिल फ्यूल्स जो ईंधन होते हैं जब उनको जलाया जाएगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी डिफॉरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन होता है ट्रीज़ की कटिंग करना जब ट्रीज़ की कटिंग की जाएगी ट्रीज़ तो हमें जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमसे जब ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला भी नहीं होगा कोई जब लेने वाला नहीं होगा तो वो अर्थ पे ही घूमती फिरती रहेगी ऐसी तो इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होती है इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है पोल्यूशन निकलता है तो वो पोल्यूशन के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होती है और इफ़ेक्ट क्या है इसके अब ग्लोबल वार्मिंग जब इतनी ज़्यादा होगी टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा ज़्यादा टेम्परेचर में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और थ्रोट्स सूखा पड़ जाएगा हुरिकेन्स आ जाएंगे एंड जो सी लेवल है वो भी राइज हो जाएगा ठीक है अब आपको टेन पॉइंट ट्वेल्व एक क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन कि आप कौन कौन से मेजर्स ले सकते हो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए उसको कम करने के लिए तो वो हम क्या क्या कर सकते हैं वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे देखो कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अमाउंट को कम किया जा सकता है एटमोसफेयर में हम क्या कर सकते हैं ट्रीज ज्यादा लगा सकते हैं एक तो दूसरा हम री कर सकते हैं रिसाइकल कर सकते हैं और जो फैक्ट्रीज़ होती हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं तो हम क्या कर सकते हैं फैक्ट्रीज से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं उन वो क्यों निकल रही हैं प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है अगर हम नए मटेरियल का काम यूज़ करें रिसाइकलिंग करें तो फैक्ट्रीज़ पर प्रोडक्शन का बर्डन कम हो जाएगा तो पोल्यूशन भी कम होगा और हमें वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है हमें वॉक करनी चाहिए साइकिलिंग करनी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए अपने पर्सनल व्हीकल्स की बजाय ताकि पॉल्यूशन कम हो सके हमें जो एक्स्ट्रा लाइट्स जो होती हैं उनको ऑफ़ कर देना चाहिए फैंस को ऑफ़ कर देना चाहिए हमें मीट कम खाना चाहिए और क्योंकि जो मीट इंडस्ट्री है वो सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस का हमें प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए ताकि प्लांट्स को ज़्यादा उगाया जा सके इस नीड को पूरा करने के लिए हमें अवेयरनेस लोगों में पैदा करनी चाहिए कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है और इसका क्या नुकसान है हमें अपने फ्रेंड्स को फैमिलीज को बताना चाहिए कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं सो so, हम क्या क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं री यूज एंड रीसाइकल हमें उतना ख़रीदना चाहिए जितने की ज़रूरत है वॉक कर सकते हैं साइकिलिंग कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं मीट को लेस कंज्यूम करें और लोगों में अवेयरनेस को स्प्रेड करें तो इस तरीके से आप क्वेश्चन टेन पॉइंट ट्वेल्व को भी कंप्लीट कर सकते हो इसमें आप मेजर्स बता सकते हो कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को आप रिड्यूस कर सकते हो तो आपका आज के लिए होमवर्क रहेगा आपने कंप्लीट एस पी ट्वेंटी वन पर जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं ये सारे आपने कंप्लीट करनी है राइट ओके एंड ऑल्सो लर्न सो दिस इज ऑल फॉर टुडे कीप रिवाइजिंग थैंक यू